सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये कानून बनाए इन नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये किसान विरोधी सरकार ने हमारी जमीन हड़पने की ये साजिश। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मोदी जो है ना, वो चाबी है कारपोरेट की, वो तब चाहे उसको खोल लेते हैं, जब चाहे बंद कर। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। Today, concerns cloud around the agricultural sectors and the reforms which are recently implemented by the Modi government. As per the government, the three acts, namely the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service 2020, second, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, and third, the Essential Commodities Amendment Act 2020 are for the benefit of the farmers. According to the government, ये तीनों बिल किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं, जो किसानों की प्रोड्यूस मार्केट, प्रोड्यूस प्राइस एंड मार्केट प्राइस से जुड़े हुए हैं। किसानों को इन एक्ट्स से पूरे देश में कहीं पर भी फसल बेचने की आज़ादी दी गई है, जिससे स्टेट्स के बीच बिजनेस भी बढ़ेगा। इसका मतलब कोई भी किसान अब मंडी के बाहर अपनी फसल बेच सकता है। इन एक्ट्स के बाद पहले की तरह किसानों को स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब से किसानों को ही बेयर करनी पड़ेगी। किसानों को अब ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स दिया जाएगा। फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस जैसी यूनिट्स पर व्यापारी की स्वतंत्रता होगी। इस एक्ट के अनुसार मिडिलमैन का रोल खत्म हो जाएगा एंड कॉर्पोरेट्स और किसान डायरेक्ट डील कर पाएंगे। इतने सारे फायदों के बाद भी क्यों किसान प्रोटेस्ट पर बैठे हैं? उनके क्या कंसर्न्स हैं? उन्हें क्यों इस बिल पर भरोसा नहीं है? किसानों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के थ्रू MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक ऐसी प्राइस जिस पर गवर्नमेंट किसानों से अनाज खरीदा करती थी, उस पर क्लैरिटी नहीं है और किसानों को ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के वजह से सरकार इवेंचुअली मंडियों से अनाज लेना भी बंद कर देगी। किसानों को ये भी लगता है कि अगर मंडी के बाहर फसल बेची जाएगी तो APMC मंडीज खत्म हो जाएंगी। APMC means Agricultural Produce Market Committee स्टेट ने establish की है to safeguard the farmers। किसानों का ये भी सोचना है कि ई नाम जैसी सरकारी ट्रेडिंग पोर्टल्स का क्या होगा। और सबसे जरूरी बात, जब किसी भी किसान एसोसिएशन या ग्रुप ने सरकार से ये सारे चेंजेस की डिमांड ही नहीं करी थी, तो सरकार ने इसे कानून क्यों बनाया? और बनाया भी तो उनसे पहले बात क्यों नहीं की गई? सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक सज्जन को फार्म लॉस पर बोलते हुए सुना गया। ये सज्जन का नाम साहिलदीप सिंह है, जो कि कीर्ति किसान यूनियन के मेंबर हैं। कीर्ति किसान यूनियन एक ऐसी यूनियन है जो स्मॉल फार्मर्स, जिनकी 10 एकड़ से कम की जमीने हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं, प्लस खेती मॉडल को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स करती हैं। साहिलदीप जी का ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू कॉपी द अमेरिकन मॉडल वेयर देयर इज मोर पॉपुलेशन इन प्रिजन देन पॉपुलेशन वर्किंग ऑन फार्म्स। आवर यूनियन एस्टिमेट्स दीज एंटी पीपल लॉज विल मेक 10.7 लाख पीजेंट्स लैंडलेस। इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी लेके है। इनका ये कहना है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सबसे खतरनाक एक्ट है और इस एक्ट के बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं की जा रही है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज यानी जिंदा रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का विवरण है। जिंदा रहने के लिए जरूरी वस्तुओं में आता है चीजें जैसे आटा, दाल, कुकिंग ऑयल। ये एक्ट बहुत पुराना है, जिसको लाने का रीजन ये था कि कोई भी इन सारी एसेंशियल कमोडिटीज की ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए। लेकिन विद दिस अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अब कोई भी कॉर्पोरेट अपनी मर्जी से कितना भी अमाउंट ऑफ घी,
तेल, दाल, चावल को स्टॉक कर सकता है, स्टोर कर सकता है। साहिलदीप जी के अकॉर्डिंग ऐसा होने पर बड़े लेवल पर भुखमरी फैलेगी, क्योंकि स्टॉक करने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। दिस एक्ट हैज वन मोर मेजर प्रॉब्लम अटैच्ड। कोई भी प्रोडक्ट को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। आइदर इट्स अ पेरिशेबल प्रोड्यूस, दैट इज सब्जी भाजी, जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, और इट्स अ नॉन पेरिशेबल प्रोड्यूस, जैसे दाल चावल, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा टाइम की होती है। अब एसेंशियल कमोडिटीज के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट विल बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज। मतलब कि इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर गुड्स, अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस करंटली 100 रुपए है, तो जब तक ये 200 रुपए नहीं हो, विच इज 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, गवर्नमेंट उसे एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में नहीं डालेगा। एंड इन केस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड प्रोड्यूस, जब तक रिटेल प्राइजेस 50% से नहीं बढ़ती, मतलब 100 रुपए की चीज 150 में नहीं पहुंचती, तब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इस बात को समझना चाहें, तो जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, उसकी प्राइजेस बढ़ती हैं। सेम केस यहाँ पे भी देखा जाएगा। जब स्टॉक की होल्डिंग होगी, तब प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर ये बात को समझें, देन साहिलदीप जी का ये कहना बिल्कुल जायज है कि बड़े लेवल की भुखमरी होगी, बिकॉज नॉट एवरीवन विल बी एबल टू अफोर्ड सच हाई प्राइस प्रोड्यूस। और ये सारे प्रोड्यूस जिंदा रहने के लिए जरूरी भी हैं। प्रेजेंटली एज पर द अडानी, दे ओनली स्टोर एंड मैनेज फूड ग्रेन्स फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बट आफ्टर पासिंग दीज बिल्स, Now they can purchase directly sidelining the FCI and other government bodies, which will result in the collapse of mandis and FCI. और यही तो किसानों का भी कहना है। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अडानी जैसे बड़े नाम, जो giant corporates हैं, इन्हें storage harvest करने की क्या जरूरत है? क्या ये काम हमारी government directly नहीं कर सकती? Cannot the government directly collect the harvest from the farmers? These are certain very important reasons why farmers are not able to trust the government. जो काम पहले मोदी ने बोले थे, उनमें से लोगों को फायदा हो गया। ये एमएसपी हमारा हक था, ये हमारा इनाम था। आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। ये सारे पॉइंट्स भी एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने की तरफ इशारा करते हैं। देखा जाए तो किसानों का ये आंदोलन अभी बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, क्योंकि अमित शाह के द्वारा लिखित प्रस्ताव को किसान यूनियंस ने सीधे से खारिज कर दिया है। साथ ही साथ ये इशारा भी किया गया है कि अब ये आंदोलन को और तेज किया जाएगा, दिल्ली आने वाले बाकी के रास्तों को भी ब्लॉक किया जाएगा, पूरे इंडिया में बीजेपी ऑफिसेस के बाहर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा, और रिलायंस और अडानी के प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाएगा। यानी अब ये सीधी टक्कर अडानी अंबानी और किसानों के बीच की है। ये बॉयकॉट का तो ट्रेंड आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं। एक सवाल तो यहाँ पे ये भी उठता है कि इस पॉइंट पर सरकार किसानों की चिंताएं हटाने के लिए क्या कर रही है? सरकार का रोल क्या होना चाहिए? क्या सरकार अपने तरफ से सारे एफर्ट्स डाल रही है? क्यों किसानों के सवालों को सीधा जवाब नहीं मिल रहा है? सरकार का इस मुद्दे को डील करने का तरीका ना सिर्फ किसानों के बल्कि पूरे देश के मन में सवाल खड़े कर रहा है। हम आशा करते हैं कि सरकार किसानों की बातों को समझे और उसके अकॉर्डिंग फैसला ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिक्षा न्यूज़। वी विल सी यू सून विथ मोर सच वीडियोज़।